आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के तत्वावधान में अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्दीकी, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यालय जिला अध्यक्ष हमीद मोहम्मद शेख की अध्यक्षता, मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली, विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष एम राजसमंद के जिला प्रभारी दामोदर अग्रवाल ने केक काटकर जश्न के रूप में मनाया। जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस मौके पर राधुलाल तेली ने नए साल की मुबारकबाद देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं व बधाई दी। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय पर विश्वास जताते हुए सभी को भाजपा से जुड़ने का एवं भाजपा पर पूरा भरोसा दिलाने का एहसास दिलाया। शेख ने कहा, दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलेंगे, दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ, अपनी बात पर विराम दिया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष कैलाश चिंगर ने मंच का संचालन किया। जिला महामंत्री बाबूलाल टांग, पूर्व मोर्चे महामंत्री रफीक सिंधी, इमरान कायम अखानी, सिकंदर पठान, बंटी कायम अखानी, पूर्व मदरसा बोर्ड के जिला संयोजक इमरान काजी सहित मोर्चे के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने मोर्चे के पदाधिकारियों का धन्यवाद दिया एवं भाजपा के जिला पदाधिकारियों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसी के साथ बदनौर मंडल के अध्यक्ष इबारीहिम पठान, बिगोद मंडल के अली लुहार, रायपुर मंडल के जिला उपाध्यक्ष रईस पठान ने भी अपने मंडलों में फल पौधे वितरित कर पौधे लगाकर जन्मदिन मनाया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इसी के साथ इसी क्रम में मोर्चे के कार्यकर्ता बंटी भाई कायम खानी से आग्रह करता इसी क्रम में हमारी दोनों जो शख्सियत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, उनको शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। और ये जो इस अवसर पर हमीद भाई और आपकी सब टीम ने कार्यक्रम आयोजित किया, इनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जब देश और दुनिया में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चुनाव संपादित होते हैं और रिजल्ट आते हैं, पूरी दुनिया उन रिजल्ट की तहकीकात करके इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि अल्पसंख्यकों के इलाके में जो बूथ थे, उन बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को कितने मत मिले। मुझे खुशी है, पिछले कुछ वर्षों से अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रयासों से हमने और क्या आते हैं आदरणीय अमित साहब का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनकी टीम का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अल्पसंख्यक मोर्चे के बारे में हम सब जानते हैं कि पार्टी के अंदर कई संगठन काम करते हैं, कई व्यक्ति काम करते हैं, अलग अलग सोच के होते हैं, लेकिन परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं और परिणाम राजनीतिक पार्टी में चुनाव होते हैं और चुनाव और हार आते हैं उस समय हमारी परीक्षा होती है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र का नेतृत्व तो हो चाहे प्रदेश का, आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के तत्वाधान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब और हमारे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जनाब एम सादिक साहब के जन्मदिन के रूप में ये कार्यक्रम रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा समूह है और इस समूह में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं उनका भारतीय जनता पार्टी जो सम्मान किया है और जो स्वागत किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का आभारी हूं और अल्पसंख्यक मोर्चे के जो भी कार्यकर्ता यहां पधारे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष जी का जन्मदिन दिवस का कार्यक्रम रखा गया है और इस मौके पर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जिले के अध्यक्ष आदरणीय हमीद जी और पूर्व जिलाध्यक्ष
दामोदर जी अग्रवाल सहित जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए जब जब भी अवसर मिला है बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, उनका लाभ उनको मिला है। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कभी पीछे नहीं रही है और आगे भी पीछे नहीं रहेगी। इसलिए अल्पसंख्यकों को कांग्रेस द्वारा जिस तरह से भ्रमित किया जाता है और ये कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार आई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है उन्होंने पंचायत समिति